7 साल हो गए जिम कॉर्बेट में आते, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया? मैंने कोई जोन नहीं छोड़ा यहाँ का, सब जगह नाइट स्टे करी है, डिकाला, गैरल, जितने भी हैं वहाँ पे, झिरना, शांति है, शांति है, शांति है। और डिकाला में तो बिजनेस टाइप का हो गया ना, हाँ, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, जो अब प्रोफेशनल हो गया बिल्कुल। तो यानी कि ऐसा कोई लोग भूतिया बोलते हैं वो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? सुनो, हाँ जी, जैसे हमारे नीचे की चौकी, इसमें कोई नहीं रहता। ओके, तो हो सकता है यहाँ कोई आत्मा रहती हो। देखिए दोस्तों, रात का माहौल, मन विश्राम ग्रह मलानी, ये देखिए साफ दिख रहे हैं, अभी अंदर आएंगे। अरे दोस्तों, मैं आपको ना जहाँ पे हमारे जो ड्राइवर होते हैं जिप्सी, वो रहते हैं, आपको वो दिखाते हैं यहाँ पे। तो समझो रूम जो है एकदम खतरनाक जगह पे है दोस्तों। ये क्या है यार, ये क्या है दोस्तों? ये है कुदरत, ये कोई भी चीज़ अपने हाथ में नहीं होती जी। रात को भूत मिला, भूत मिला रात को, रात पूरा लगा गया मुझे, भूत आया था, पता नहीं क्या था। सही बताओ भाई, क्या बात कर रहे हो? दोस्तों, नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, आप देखिए, ये है मलानी FRH वन विश्राम भवन 1928 दोस्तों। अभी है दोस्तों हमारे यहाँ आते ही, दोस्तों यहाँ टाइगर ग्रोलिंग कर रहा है, 2-3 बार दहाड़ने की आवाज़ आई है। देखिए हमने जो सफारी करी आज, टाइमिंग था 3 बजे से लेके 7 बजे तक, 4 घंटे की सफारी होती है जिम कॉर्बेट में। मॉर्निंग होती है 5:30 से 9:30। ये देखिए ये गेट हो गया, इससे बाहर तो जाना नहीं होता। अभी यहाँ बहुत सारे डियर दिख ही रहे हैं और बढ़ेंगे रात को, टाइगर की आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, एलिफेंट के आने के चांसेस भी हैं। तो आप बने रहिए, आपको आज बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, कुछ मलानी का इतिहास भी खोलेंगे। इसके बारे में लोग बहुत गलत बोलते हैं कि ये तो बहुत डीप जाके है, घना जंगल है, भूतिया है, क्या क्या मैंने सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसका प्रूफ हम आपको दे ही देंगे आज। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें होती हैं रात को। ये देखिए हाथी के लिए खड्डा किया हुआ है। सभी गेट बंद कर देंगे, उसके बाद इसमें फेंसिंग में करंट छोड़ देंगे। पर जंगल में दोस्तों यही सेफ्टी होती है। ये देखिए पीछे जाने का रास्ता कोर में, आपको पीछे से दिखाता हूँ दोस्तों। बोलते हैं ना कि जो सफारी होती है वो टूरिज्म एरिया में होती है, ठीक है ना, कोर में नहीं होती। पर मैं दोस्तों इसको कोर ही बोलूँगा, क्योंकि देखो बिजरानी स्टार्टिंग में आया था 6 किलोमीटर पे रामनगर से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 12 किलोमीटर आगे जाने के बाद ये वाला FRH आता है। तो आप देख लीजिए, खाली यहाँ पे 2 ही रूम हैं, ये वाले 2 ही रूम हैं। ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल भी नहीं है, ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है। एक तो यहाँ आके आप जंगल की फील लेंगे जो है, और मैं आपको दिखाता हूँ जो ये पीछे 2 पिलर लगे हुए हैं ना, इसके बाद ये कोर शुरू हो जाता है दोस्तों। अभी रेंजर साहब आ रहे हैं, थोड़ी उनसे जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में। ये देखिए ये भाई साहब आ रहे हैं, इनको रोकते हैं पहले। ये देखिए जगह जगह स्पॉटेड डियर की ड्रॉपिंग पड़ी है, जगह जगह दोस्तों। सर डियर की तो बहुत यहाँ पे ड्रॉपिंग पड़ी है, डियर के मैं बहुत सारा यहाँ पे वो पड़ा है ड्रॉपिंग, यहीं आ जाते हैं ना। अरे वाह वाह वाह। सर थोड़ा आपसे जानकारी लेनी थी एक, बोलो। ये पीछे 2 पिलर लगे हुए हैं जो पीछे, वो हाँ। वो आपके यानी कोर शुरू होता है वहाँ से अंदर सर्विस बढ़ जाते हैं टूरिस्ट के लिए, बंद किया हुआ है हाँ। कोर जोन है ना, वहाँ से नहीं, कोर जोन वहाँ, है वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये कहाँ को जाता है एंड? ये जाता है यहाँ से आगे हमारी चौकी है गोजड़ा चौकी, गोजड़ा 5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर वहाँ जाती है, फिर वहाँ से और जगह भी लिंक है।
क्या बात है, यानी ये है रियल कोर। वाह वाह वाह, तो ऐसे पूरा अपना जंगल तो कनेक्टेड है ना, पूरा जिम कॉर्बेट का तो यहाँ से डिकाला भी जा सकते हैं? इधर से नहीं, इधर अलाउ नहीं है। नहीं आप लोग? हम लोग जा सकते हैं गाड़ी में ना। हाँ जी हाँ ठीक है। देखा दोस्तों मैं क्या बोला था, ये जो पिलर लगे ये कोर शुरू हो जाता है, ये हमारा सफारी जोन नहीं है। अब देखिए स्पॉटेड ईयर समझदार हो गए दोस्तों, जब ये फेंसिंग नहीं होती थी तब तो ये ओपन था, ठीक है ना, तब तो स्पॉटेड ईयर यहाँ क्या आएंगे। अब उनको पता लग गया यहाँ इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, उसके अंदर आ जाओ। आज भर भर के स्पॉटेड ईयर दिखाऊंगा मैं आपको, देखना भर भर के। ये देखिए शुरुआत हो चुकी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों स्पॉटेड ईयर का ये पूरा हर्ड है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, उसके पीछे भी हैं, राइट लेफ्ट हर जगह स्पॉटेड ईयर ही है। अभी ये जैसे हमारा झरना में नहीं होता, हम झरना से देखते हैं, बजरानी से देखते हैं, मलानी भी वैसी है। आपने सुना उन्होंने बताया था गोजड़ा चौकी 5 किलोमीटर अंदर जा गया, अरे भाई जन्नत है जन्नत, वाइल्ड लाइफ वालों के लिए तो जन्नत। ऐसी बातें सुन के ही फीलिंग आ जाती है कि यार कैसे होंगे जंगली बिल्ली जो अंदर जाके और भी बोले उसके आगे और भी है। वाह मज़ा आ जाता है दोस्तों। दोस्तों स्पॉटेड ईयर, स्पॉटेड ईयर का मीटिंग कॉल था, जो भी आवाज़ें आ रही थी। देखिए फेंसिंग गेट बंद कर रहे हैं, बंद हो गया। अभी करंट छोड़ देंगे, इसमें करंट छोड़ दिया। हाँ तो स्पॉटेड ईयर कैसे आ जाते हैं फिर भी? असल में स्पॉटेड डियर ऐसा आते हैं कि अब क्या पता हो उनको, वो यहाँ अंदर आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपने करंट छोड़ देंगे फिर कैसे आएंगे ये? आ जाते हैं वो। तो इसमें क्यों, कौन कौन सी तार में करंट है, किसमें नहीं है? सभी तारों में करंट रहता है। सभी में है? सभी में आएगा करंट। ओके ऐसा है ना, यहाँ देखो। हाँ जी यहाँ तो आओ। हाँ जी आ गया। ये देखो ना ये तार ये से कनेक्टेड है। ओके सबको करंट दे रही है, सब में जो है वो है। ठीक है ठीक है, मतलब वो इस करंट को झेल जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है अच्छा, और मैंने ऐसे भी देखा, मैं देखता रहता हूँ ना। हाँ जी। जैसे वो बाहर जंप मारेगा तो अपनी टांगों को इस ढंग से करता है की वो नल छुए ना। ठीक है, इस ढंग से भी देखा मैंने, कूद मारते हुए उनको। हाँ और सर थोड़ा ना मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, यहाँ ना थोड़ा लोग डराते हैं यहाँ आने के लिए, क्यों डराते हैं? असल में लोगों की सोच कुछ खराब है, खराब है, वो बदनाम करते हैं जगह, बदनाम करते हैं भाई। हाँ भाई सुनो ऐसा ना, हमारे आदमी, हम लोग जो है। हाँ जी। हम लोग तो पैदल गश्त कर रहे हैं बिल्कुल जंगल में, हमारे आदमी स्टाफ कहीं भी, यहाँ हो अगली चौकी है जो गोजड़ा, वहाँ गोजड़ा पीछे का स्टाफ है, सब हम लोग तो गश्त करते हैं, तो अब डरने का कोई, अब हम लोग तो, मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं तो मेरी ड्यूटी वायरलेस पे है ना। हाँ जी वायरलेस पे है, फिर रिपोर्ट देनी है, फिर टूरिस्टों को देखना है, तो मैं तो यहीं रहता हूँ, पर ये बाकी लोग तो गश्त करते हैं। हाँ जी, तो मैं तो यार, मैं भैया ये देख रहा हूँ कि मेरे को 7 साल हो गए जिम कॉर्बेट में आते, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया? मैंने कोई जोन नहीं छोड़ा यहाँ का, सब जगह नाइट स्टे करी है, डिकाला गैरल जितने भी हैं वहाँ पे, झिरना शांति है, शांति है, शांति है। और डिकाला में तो बिजनेस टाइप का हो गया ना। हाँ एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, जो प्रोफेशनल हो गया बिल्कुल। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ शांति है। और आजकल थोड़ा ऐसा है कि आजकल जरा आग की वजह से जानवर डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके 4-5 दिन पहले हमें टाइगर तो हमें यहाँ दिखे अभी। हाँ टाइगर दिख रहा होगा। हाँ दो दिखे अभी, ऐसा दिखने वाले को चांस, टाइगर दिखने का चांस होता है। हाँ जी दिखने वाले को दिख जाता है। सही बात है, तो यानी कि ऐसा कोई लोग भूतिया बोलते हैं वो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? भूतिया भैया मेरे को 8-10 महीना हो गया, भूतिया भूतिया कुछ नहीं है। बस अंग्रेजों के जमाने के पुराने बनाए हुए हैं ये जो है। ऐसा है ना सुनो। हाँ जी जैसे हमारे नीचे की चौकी, इसमें कोई नहीं रहता। ओके तो हो सकता है यहाँ कोई आत्मा रहती हो, पर जब हम वहाँ रहेंगे तो फिर वो आत्मा हट जाएगी। अच्छा अभी वहाँ पे कोई रहता नहीं है? वहाँ नहीं रहता, करीब मेरे को 8-10 महीने, जुलाई में आया था मैं। ओके आ रहा हूँ। अच्छा वहाँ कोई रहता नहीं है? उसका दरवाजे, मैं तो वहीं जा रहा था, पर उसके दरवाजे खिड़की खराब है।
और वहाँ सांप भी रहता है ना, एक बड़ा सांप रहता है उधर। अरे वाह वाह, क्या जानकारी दी सर आपने, धन्यवाद। दोस्तों देखिए, आपने सुना, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। आ गए, हाँ यहाँ मैं तो यही बोलता हूँ, जानवर होते हैं जंगल में। जानवर हैं तो जानवर आवाज करते हैं ना। हाँ जी, जानवर तो आवाज करते हैं। सर चाय ले लीजिए। चाय आपकी जो होगी। अरे सर आप दोबारा बन जाएगी ना। ना अंदर होगी मेरे लिए ना। अच्छा अच्छा, दो होंगे तो आपके लिए हैं, तीन होंगी तो तब मेरे लिए भी है। और तीसरी भी आ जाएगी, यही बुला लेते हैं आपके साथ, थोड़ा हमें जानकारी। हाथी भी आ जाते कभी कभी यहाँ पे? हाथी भी, हाथी तो परसों हमने यहीं पे दिखाए लोगों को। ओके, इधर ही यहीं पे रुका शाम को। शाम को रात में आ जाते हैं। रात में ये रास्ता है उनका। ठीक है, कोर से निकल के सीधा इधर को जाते हैं। ये रास्ता ये। हाँ यहाँ पानी भी है ना इधर आगे, गोजड़ा से आएगा ना इधर से जाएगा उधर जाएगा। आपने पूरा जंगल घूम रखा होगा जिम कॉर्बेट का। मैं केटीआर में रहा, मेरी 33 कालागढ़ में। हाँ कालागढ़ टाइगर रिजर्व में 33 साल रहा वहाँ। क्या बात है, यहाँ मैं अब जो है 8-10 महीना हुआ, जुलाई से आया हूँ यहाँ। बहुत बढ़िया, यानी बारिश में आपने यहाँ देख लिया सब कुछ? हाँ पिछली बारिश में भी यही था। तो रास्ते बंद हो जाते हैं? बंद तो हो जाते, पर हम लोग चले जाते हैं ना मोटरसाइकिल से। ओके, अब क्या करना है, राशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है तो रोड चलाना ही है। माय गॉड, वाह सही बात है, ड्यूटी तो करनी है ना। ड्यूटी मतलब खाना तो खाना है, खाना जो है। शांति है यहाँ पे, शांति है। दो कमरे हैं खाली। हाँ, कोई शोर शराबा नहीं। अपने वजन की वो कमरे में कोई रहता नहीं है, ऐसा तो नहीं कभी कोई मर गया हो ऐसा यहाँ? मरा कोई नहीं है। मतलब एक डेढ़ साल पहले वहाँ स्टाफ रहता था। ठीक है, यानी कि पुराना हो गया है। पुराना हो गया, दरवाजे वगैरह उसका दरवाजा दीमक खा गई। हाँ, अब मैंने अभी कुछ दिन पहले रेन साहब को बोला उसका दरवाजा बना दो, वो कहे तो अगले बजट में बनेगा। ओके, नहीं तो वहाँ बढ़िया है, शांति है ना। हाँ जी हाँ जी, वाह 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 क्या बात है। चलो दोस्तों, अपनी इवनिंग थी, जो हम राशन लाए थे ना बाहर से वही है। देखिए दोस्तों, ये होती है रात, जंगल की रात ये होती है। इधर पीकॉक की आवाज़ें, इतनी बढ़िया नाइट जार बोल रही है, इतने टाइम के बाद सुन रहा हूँ दोस्तों, मेरी फेवरेट है नाइट जार। इस आवाज़ के लिए मैं तरसता हूँ दोस्तों। अभी आपको थोड़ा बाहर का माहौल दिखाते हैं। देखो नाइट जार की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ आई कॉलिंग वॉलिंग हुई? अभी तो नहीं। अच्छा भैया मुझे ये बताओ, खाना बन गया अपना? हाँ वो तो खाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना भैया। हाँ जी। यहाँ लोग फेक स्टोरियाँ बना रहे हैं। हाँ, यानी भूत प्रेत की फेक स्टोरियाँ चल रही है यूट्यूब पे। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? उनको जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी आगे बढ़ना है। हाँ, लोगों को डराएंगे तभी लोग देखेंगे ना। ये कोई बात नहीं है, बस यही तो चल रहा है यहाँ। मैं मेरी भाई देखो, अब आप कभी बुजुर्ग से पूछ लो अपने जो है। सही बात, हमने तो पूछा अपनी मम्मी से, बोले हमें तो देखा नहीं है भाई। सही बात है। बाकी क्या है, थोड़ा सा जो गांव के माहौल होते हैं ना, वहाँ चीज़ों पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं शहर के मुकाबले। सही बात। हाँ, अब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो दिमाग पे मेंटल असर करती हैं, तो वो कईयों को हो जाती हैं। तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं उनके शरीर में, तो लोग समझे इसमें आत्मा आ गई। देखो हमारा हिंदू धर्म है। सही बात है। तो इसमें आत्मा मानी जाती है, कि हम मरने के बाद हमारी आत्मा होती है। सबकी अपनी अपनी सोच है जो है। नहीं, यहाँ काफ़ी सारी बातें बनाते हैं, यहाँ भूत होता है, यहाँ हुक्का मांगता है। हुक्का मांगता है यहाँ? हाँ, नहीं यहाँ नहीं सुना मैंने तो। मैंने तो सुना कि उधर मांगता है पहाड़ों में। इधर भी मैं आपकी कोटा बाग मांगता है हुक्का। हाँ मैंने सुना है, मैं तो नहीं मानता। मेरे पास रिकॉर्डिंग है मेरे दोस्तों की, मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं करी। सही बात है, कहाँ होगा दोस्तों। देख आपने सुना था रेंजर साहब क्या कह रहे थे, वो दरोगा जी सॉरी, कि परसों हाथी आ गया था रात को यहीं पे, गोजड़ा चौकी बोल रहे थे ना, गोजड़ा चौकी से इधर को आ गया था अंदर को। दोस्तों आंखें चमक रही हैं सामने, ये डियर खड़े हैं देख रहे हैं।
चमक, बहुत सारे डियर हैं अभी अंदर आने की फिराक में हैं दोस्तों, अंदर आएंगे सभी। ये देखिए यहाँ भी आंखें चमक रही हैं दोस्तों। जो शिकार होता है ना रात को ही करता है टाइगर, जो है दिन में तो गर्मी में सोया रहेगा धूप में कहीं भी पानी में, अब रात को देखना माहौल बनेगा, यहाँ भी फोटो से भी खतरनाक माहौल बनेगा। ये देखिए सांप दिख रहे हैं, अभी अंदर आएंगे। है टॉर्च कमाल की अपनी, ये देखिए ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों स्पॉटेड डियर। ये देखो पीकॉक की आवाज़ तो चार चांद लगा देती है वीडियो में, मधुर संगीत। देखिए दोस्तों रात का माहौल, मन विश्राम ग्रह मलानी 1928 का टीरी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व स्थापना वर्ष, सब उल्टा ही पड़ा है। कुछ आपको ना मैं नाइट व्यू फोटो में खींच के दिखाता हूँ अपने दूसरे मोबाइल से, कितनी ज़बरदस्त नाइट व्यू आएगा, रात को दिन कर देगा देखना मेरा मोबाइल सैमसंग 23 अल्ट्रा। देखिए दोस्तों ये हमने अपना कैमरा ऑन कर दिया अल्ट्रा 23 और ये हमने फ़ोटो कर दी क्लिक। ये देखिए अब इसका नाइट व्यू देखिए कैसा है, ये देखिए जबरदस्त देख रहे हैं आप। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे, यहाँ लाइट है ना अपने, वो जो सामने की जो कोठी है ना वो वाली पुरानी चौकी, इसको कैप्चर करते हैं क्योंकि ये रोशनी पड़ रही है इधर। ये देखो अब हम इसको कवर करते हैं, ये देखिए ठीक है क्लिक हो गई, अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों ऐसी फोटो मैं खींच रहा हूँ भाई, चाहो सामने टाइगर खड़ा हो भाई, ओ भाई मेरा खुद का परछावा तक दिख रहा है दोस्तों, परछाई तक दिख रही है मेरी। अब नाइट व्यू में FRH की फोटो ये अपन लगा देंगे अपना इस पे क्या बोलते हैं थंबनेल, वाओ ब्यूटीफुल। आपको कहीं बोर तो नहीं कर रहा दोस्तों, लास्ट फोटो बस इसके बाद नहीं, जिप्सियां खड़ी हैं। वाओ ब्यूटी, ये देखिए कैसा दिख रहा है और फोटो में कैसा दिख रहा है, मज़ेदार। चलिए दोस्तों ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको, आपके पास भी तो होगा ना नाइट मोड कैमरा। दोस्तों ये क्या है, अरे दोस्तों मैं आपको ना जहाँ पे हमारे जो ड्राइवर होते हैं जिप्सी वो रहते हैं आपको वो दिखाते हैं यहाँ पे एकदम, ये भी पूरी ख़तरनाक जगह पे दोस्तों। हमारा तो ये डियर खड़ा है वो भागा बिल्कुल, इनका तो समझो रूम जो है एकदम खतरनाक जगह पे है, वो बहुत सारे डियर हैं सामने पीछे आंखें चमक रही हैं। इससे आगे नहीं जाएंगे हम, आओ अंदर चले इधर। ये देखिए दो दरवाजे हैं, ये तो खुला पड़ा भाई, ये देखिए हाँ अभी पेंट वेंट हुआ है, हाँ अभी पेंट वेंट हुआ है, अभी छिपकली भी घूम रही है, यहाँ रह रहे होंगे ये। ये देखो स्लीपिंग बैग, हमारे भाई लोग इधर सोएंगे।
अच्छा है, साफ है, नीट एंड क्लीन है ना, बढ़िया साफ है रूम। एक्चुअली क्या है, मुझे लग रहा है ये डोरमेट्री है। ओ वाह, चुनरी माता का मंदिर, मंदिर है ये देखो। दोस्तों ये देखिए मंदिर, देखो यहाँ भी पानी चलता है। हाँ यहाँ भी टाइगर बैठ सकता है रात को। ये देखिए दोस्तों हमारी कंप्लीट थाली, ये हैं वाइट चने, पनीर की भुर्जी, सैलेड, रोटी, एक आलू की सब्जी है, ये भी आलू, हाँ तीन सब्जियां हैं। चलो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं सब। वीडियो तो बना रहा हूँ, खाना बहुत ही यम्मी है भाई। 4 साल से यहाँ कुक हैं जो है, खाना बना रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को आपको बोला ना मैंने, हाथ में यार जादू है, कहीं भी खा लो खाना बहुत यम्मी बनता है यहाँ पर, बहुत मस्त मज़ेदार। दोस्तों ये क्या है यार, ये क्या है, ओले पड़ेंगे, ओले मुझे दिख ही रहा है। हाँ, ये बर्फ़ के गोले पड़ेंगे देखना, अभी शुरू बारिश, धुल गई सफारी दोस्तों। ओ भाई तो दिन हो गया था, एक बार तो पटाखा पड़ेगा अभी जोर से एक। यह है दोस्तों मलानी, मलानी का FRH। जैसे होती है ना राम से ही मूवी होती थी, राम से, तुलसी राम से, राम से ब्रदर्स की हॉरर मूवी होती थी, ऐसे दिखाते थे ओल्ड FRH। दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि माहौल यहाँ पे डरावना, बहुत ही प्यारा कैंपस है, बहुत ही प्यारा, बेहतरीन, बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे। अभी देखिए थोड़ा बारिश हो रही है, एक सरप्राइज सा लग रहा है जो है, पर उम्मीद है थोड़ी देर में रुक जाएगी, पर वाइल्ड एनिमल्स के लिए अच्छी होती है, जंगल के लिए। दोस्तों अंधेरी तूफान ये देखिए, सोलर में एक बढ़िया है, लाइट नहीं जाएगी। हाँ अगर बिजली के खंभे गिर जाएं रास्ते में, तारे वगैरह टूट जाएं तो लाइट चली जाती है। निकाला में तो ये तारें आती है ना बिजली की, अच्छा वहाँ सोलर नहीं है, खंभे लगे हुए हैं, कालागढ़ से आते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, ये जो बारिश हो रही है ना, इसका एक बेनिफिट मिलेगा रामनगर को, रामनगर के जिम कॉर्बेट के पहाड़, जहाँ जंगल हल्द्वानी, वो आग रुक जाएगी, है कि नहीं, आग रुक जाएगी, बुझ जाएगी समझो। सही बात है। हाँ पानी चल गया तो जो है उसके ऊपर। और भी तेज हो गई दोस्तों, ये है कुदरत, कोई भी चीज़ अपने हाथ में नहीं होती। भरपूर पानी है और नाले वाले सब भर जाएंगे, अब टाइगर दिखेगा ही नहीं कल, कल दोस्तों टाइगर नहीं दिखेगा, अब जगह जगह पानी हो जाएगा कल भाई, जो भगवान को मंजूर। दोस्तों गूगल वेदर फेल हो गया इस बार, मैंने रामनगर का टेम्परेचर देखा था, मैंने जंगल का नहीं देखा था। दोस्तों अभी का सीन ये है, हो गए हैं 10:30, अभी क्या है गर्मियाँ हैं ना, तो सफारी जल्दी शुरू होती है। अभी ना तो देखो यहाँ भूत आया है, ना वो भूतिया आवाज़ें आई हैं, यहाँ आई है बारिश, और
इसमें फेंसिंग में है करंट। हमने अच्छे से खाना खाया है और एक छोटी सी वॉक लेके आपको बारिश भी दिखाई है, बादल गरजे हैं, पूरा पूरा ठंडा हो गया मौसम। अब देखो मिट्टी भी एकदम बैठ गई है। अब धूल धूल तो होगी, ये पानी तो धरती पी जाएगी, गर्मी थी ना तो ये अच्छा है। दोस्तों फिर अभी सोते हैं, ठीक है ना। तो मलानी बहुत प्यारी जगह है, कोई डरावनी जगह नहीं है, एकदम शांत जगह है, प्यारी जगह है, तो यहाँ ज़रूर आना। मैं तो पछता रहा हूँ कि मैं इतने साल आ रहा हूँ जिम, इतने सालों से आ रहा हूँ जिम कॉर्बेट, मैं यहाँ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया दोस्तों। ये देखिए, चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ जब होनी हो तभी होनी है। आपको मेरी वीडियो के माध्यम से पूरा अच्छे से समझ आ गया मलानी। बाकी मैं कल सुबह जल्दी उठ के ना, तो जल्दी उठ के मैं आपको पूरा दिखा दूँगा सुबह का। अब 10:30 हैं, 4:30 बजे उठते हैं, 5:30 बजे सवारी शुरू हो जाएगी। पूरा सामान मेरा पड़ा है ऐसे, चार्जिंग वर्जिंग के पॉइंट, जी दोस्तों रात के 2:30 बजे हैं और पावर चली गई है। एक्चुअली क्या, मेरी अचानक जाग हुई कि गर्मी लग रही है यार, पसीने आ रहे हैं बॉडी को, तो देखा कि अभी कांच खोलना पड़ रहा है मुझे। रात को बहुत बारिश हुई है, वही है दोस्तों, सोलर पे चलता है। जब तक सोलर की लाइट है, पावर है, तब तक चलेगी बिजली, उसके बाद तो फिर चली जाती। देखिए जैसे हुआ है अभी। दोस्तों यार बड़ी मुश्किल से रात निकल रही है, आउल बोल रहा है। अब देखिए बाहर लाइट है, जो FRH के जो स्टाफ के हैं वहाँ पे लाइट है, यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ बहुत गर्मी है, साढ़े चार हैं, 5:30 बजे से बारिश शुरू हो जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग कमल जी, इशाद भाई गुड मॉर्निंग। रुक गई बारिश, नया दिन नई शुरुआत। हाँ हाँ सही में, देखो अब तो ऊपर चांद भी दिख रहे हैं सर। दोस्तों नया दिन नई शुरुआत, आज मंगलवार है, महावीर का वार है। दोस्तों कल देखिए बारिश हुई है ना, उसके चलते सब नाले चलने शुरू हो गए, उनकी आवाज़ें आनी आ रही हैं। पर देखा जाए कुछ हद तक अच्छा ही हुआ है, बारिश होने से क्या है, जो जंगलों में आग लगी हुई थी वो बुझ गई होगी जो है, और अब देखना हरी हरी घास निकलेगी। बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत अच्छी। आपको 2-3 बेसिक चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, मेरे को प्रॉब्लम आई है, आपको नहीं आनी चाहिए, थोड़ी देर में बताता हूँ। दोस्तों रात को एक तो गुड मॉर्निंग, एक तो पावर निकल गई थी, चली गई थी यहाँ से, सुबह सुबह साइटिंग हो गई, स्पॉटेड डियर देख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। पावर चली गई थी, बहुत गर्मी लगी दोस्तों, तो ये आपको बता रहा हूँ, थोड़ा लाइट की इश्यू आ सकता है रात को यहाँ पे।
दूसरा आपको एक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता रहा हूँ, आपको काम आने वाली, आप यहाँ तो आओगे मुझे पता है मेरी वीडियो देख के, क्योंकि आपके भाई ने आपको बहुत अच्छी लोकेशन दिखा दी है, अच्छे से कवर किया है, पूरा जंगल दिखाया है। अब देखिए, हम कल हमें किचार रोड पे बिजरानी के पास टाइगर दिख रहे थे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये आवाज़ जो आ रही ना, स्पॉटेड डियर की मेटिंग कॉल है दोस्तों। जब हमें वहाँ टाइगर दिख रहे थे, हमें छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि हमारा वहाँ से 12 किलोमीटर था मलानी बिजरानी से। तो चलो कल तो हम आ गए टाइगर छोड़ के, क्योंकि जो दूसरी हमारी गाड़ी थी वो टाइगर देख के आए, लास्ट में मेल भी देख के आए एंड में, ये चार भाई। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से चेकआउट करके ही जाएंगे, ताकि हमें वापस ना आना पड़े। ये आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आपको दोबारा 11 किलोमीटर अंदर ना आना पड़े। पर इसका आपको एक इश्यू आ सकता है, आपको जो आप खाना लेके आएंगे ना, वो ब्रेकफास्ट आपका रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वापस आओगे तो ब्रेकफास्ट करोगे। ये सबके लिए नहीं कह रहा, जिसको ज़रूरी हो वो भाई जो है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जिसने दोबारा आके यहाँ मज़े लेने हैं FRH की, फ़ोटोग्राफी करनी है, अपनी फ़ोटो करनी है यहाँ पे, तो वो दोबारा ज़रूर आए यहाँ पे। पर हमें क्या है, हमें अभी जंगल ज़्यादा घूमना है, क्योंकि 11 बजे हमने बाहर निकलना है 11 बजे, और डिकारा हमें एंट्री करनी है वहाँ 12 बजे धनगढ़ी गेट पे, तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। ये देखिए हमारी मॉर्निंग की साइडिंग होगी अच्छी वाली, बहुत दूर है। बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, इधर भी बहुत सारे हैं पीछे, अभी का ब्लर आ रही है फ़ोटो बहुत दूर से, इसलिए आपको भी क्लोजअप दिखाएंगे। ये हमारे साथ ये कपल था, ये भी फर्स्ट टाइम इन्होंने सफारी करी दोस्तों। ये हैं कोलकाता से, रात को बैठे थे, हमने बहुत बातें करी, बहुत जंगल घूम रखे हैं इन्होंने। फर्स्ट टाइम बोले जिम खोर बैठाए और 3 टाइगर साइटिंग हुई। देखिए इसको बोलते लक, 3 टाइगर साइटिंग फर्स्ट, पहली बार में। आज ये भी डिकाला ही जा रहे हैं। देखिए क्रेज, देखिए कहाँ कहाँ से दुनिया को यहाँ लेके आता है जिम कॉर्बेट। बोले मसाई मारा जा रहे थे, वो मिस करके हमने यहाँ आना सही समझा। वेडिंग कॉल ये हमारी आ गई दोस्तों, सुबह की मॉर्निंग थी। चाय लेंगे, डिप हो गई भाई। आ जाओ ठीक है, सवारी का टाइम हो गया है, 5:30 हो गए हैं, पर क्या करें, अभी ब्रेकफास्ट तो करना नहीं, आपको बताया, हम तो चेकआउट कर रहे हैं इधर से, तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। डोगरा जी, रात को भूत मिला? भूत मिला रात को? रात पूरा लग गया मुझे, भूत आया था, पता नहीं क्या था। सही बताओ भाई, घर आया तुम्हें? तो मजाक कर रहे हैं डोगरा जी, ना मुझे हिलाया रात इन्हें पूरा, इशार ने, इसने नहीं, पता नहीं किसने हिलाया मुझे। यार क्या मजाक कर रहे हो यार, सुबह सुबह चाय हाथ में, झूठ थोड़ा बोलूंगा। तो चाय तो हाथ में है, बाकी ऐसे तो मुंह थोड़ी नीचे करके पियोगे टेबल पे रख के। डोगरा जी को रात को भूत आए थे बता रहे हैं वहाँ पे, मुझे पूरा हिलाया, मैं 3:30 बजे उठाऊँ। अरे हमें अच्छा, लाइट थी रात को, लाइट कहाँ थी? अरे यार ये काम थोड़ा खराब हो गया यार, नींद हमारी टूट गई जो है। अरे तुम मुझे उठा देते, 2:30 बजे उठा मैं, 3 बजे उठा, 3:30। चलो डोगरा जी को दिख गया भाई, फील हो गया इनको, कहते चाय हाथ में। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, वहाँ थोड़ी सोना है आपको, आपको इधर ही सोना है। ओल्ड FRH ब्रिटिश टाइम, अभी देखिए कैसे, किस ज़माने में बना होगा ये, 1928, और कैसे अंग्रेज लोग यहाँ रहते थे, राज करते थे। हाँ कुछ काम तो अच्छे कर गए हैं ये लोग, जैसे रेल की पटरियाँ बना के थे उस ज़माने में, जो आज भी हमें काम आ रही हैं। कुछ जगह दोस्तों ऐसी है, अपनी इंडियन गवर्नमेंट आगे पटरी बढ़ा ही नहीं पाई, उसके आगे तक रेल लाइन बनाई नहीं है जो ये बना गए हैं।